असलकमस तो आप सब कैसे हैं उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे तो आज मैं आपके लिए बहुत ही दिलचस्प टॉपिक लेके आया हूँ वीडियो स्टार्ट करने से पहले तो रिक्वेस्ट करता हूँ अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें कमेंट करें और बेलकॉकॉन्ट को लाजमी प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुँच सके चलते हैं वीडियोस की तरफ आज का हमारा टॉपिक है बिटकॉइन व्हाट इज़ बिटकॉइन बिटकॉइन क्या चीज़ है बिटकॉइन जिसका चर्चा इंटरनेट के कोने कोने में हो रहा है जिसकी कीमत दो में दस डॉलर तक पहुँच चुकी थी एक नहायत अहम तहक़ीक तजस का मौसम भी बन चुकी है तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे बिटकॉइन एक डिजिटल करेंसी है और पेयर टू पेयर पेमेंट नेटवर्क है एक पेमेंट मेथड भी जैसे कह सकते हैं जो आज़ाद एक आज़ाद ख़्याल की है जिसका कोई नाम निशान कोई वो नहीं है जैसे इंटरनेट के कह सकते हैं तो वामी तोहतादा इस्तेमाल करती है बिटकॉइन कमाने या हासिल करने में किसी शख्स या किसी बैंक का कोई इख्तियार नहीं है यह मकमल आज़ाद करेंसी है जिसको हम अपने कंप्यूटर की मदद से भी खुद बना सकते हैं तो उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ आ रही होगी और बस इसी का ही बिटकॉइन करेंसी का दीगर राजेंसीियों मसलन डॉलर या यूरो से मुआजना किया जा सकता है लेकिन उन करंसियों और बिटकॉइन करेंसी में फ़र्क है सबसे पहले हम फ़र्क ये है कि बिटकॉइन मुकम्मल तौर पर एक डिजिटल करेंसी है जिसका वजूद महज इंटरनेट तक मौजूद है ठीक है खारजी तौर तो पर इसका कोई जिसमानी वजूद नहीं इसी तरह बिडकोइन करेंसी के पीछे कोई ताकतवर मरकज़ी इदारा मसला मरकज़ी बैंक नहीं है और ना ही किसी हकूमत ने अब तक इसे जायज़ करेंसी करार दी है तो ये ऑनलाइन ही है जिसे हाइकर भी यूज़ करते हैं नॉर्मल पर्सन भी करते हैं नॉर्मल पर्सन के लिए जायज़ तो नहीं है क्योंकि इसमें अगर कभी भी ऊँच नीच होती है तो वो कोई भी कानून उसको एक्सेप्ट नहीं करता कि इसको हमने आपके लिए बनाया है तो ये अपनी ज़िम्मेदारी पर ही ली जाती है अगर आपने दस हज़ार डॉलर की ली है अगले दिन ही वो अगर पाँच हज़ार डॉलर पे आ गई है तो आप किसी को भी कुछ नहीं कह सकते कि हमारी करेंसी का रेट कम हो गया तो ये आप अपनी ज़िम्मेदारी के ऊपर ही लेते हैं तो बिटकॉइन का आगाज़ दो हज़ार नौ में सतोषी नाकाम ने किया था हालांकि ये एक रेल नाम नहीं है ये को फेक नाम ही समझ सकते हैं इसे क्रिप्टोकरेंसी कहते हैं क्योंकि ये पब्लिक की क्रिप्टोग्राफ़ी के असूलों पर बनी है ये जिसने निकाली थी उसने जस्ट ऐसे शौकियाँ लोगों के लिए निकाली थी जो कि इसको हैकर्स या कंप्यूटर्स वाले ही आपस में एक दूसरे को देते थे इसकी जो करेंसी थी जो करेंसी रेट थी वो था एक डॉलर एक सेंट से भी कम तो बस तब से ये ऐसा ऐसा में आई तो ये करेंसी हिसाबी अमल लोगोथम की बुनियाद पर काम करती है जिसके लिए कंप्यूटर को इंटरनेट से मुनसिक करके कंप्यूटर के प्रोसेसर से काम लिया जाता है मिसाल के तौर पर अगर आप दस कंप्यूटर हैं आपके पास और उनके ऊपर नंबरिंग स्टार्ट की जाती है कि ये काम कर रही है करेंसी के लिए तो वो दस प्रोसेसर जिस तरह जिस तरह काम करते रहेंगे उसी तरह वो बिटकॉइन वजूद में आती जाएगी ये एक मशीनरी को वर्किंग में लगा दिया है ठीक है जितन जिस प्रोसेसर का जितना ताकतवर होगा उतनी जल्दी वो हसाबी अमल लोगोथम का सवाल हल करके बिटकॉइन बनाता है बिटकॉइन कोइन तहकीक व तजस का मौजू भी रहा है क्योंकि क्रिप्टोग्राफी करेंसी होने की वजह से इसका मालकाना और सार्फिन पता लगाना खासा मुश्किल है इस वजह से इसका गैर कानूनी इस्तेमाल भी किया जा सकता है दो हज़ार तेरह से गैरकानूनी सरगर्मिया मलूस वेबसाइट सिल्क रोड को अमरीकी एफ बी आई ने बंद और एक करोड़ चौतालीस चौदह लाख एक करोड़ चौतालीस हज़ार बिटकॉइन को मंजमद कर दिया इस वक्त इसकी कीमत अट्ठाईस सारे पाँच मिलियन डॉलर थी जबकि अमरीकी अमेरिकी हुकूमत बिटकॉइन के मामले में दीगर हुकूमतों से ज़्यादा अफराग दिली से काम लेती है चीन में युआन के साथ बिटकॉइन को फरोखत पर पाबंदी है नेज़ बिटकॉइन कोइन मंडिया के लिए बैंक अकाउंट रखने की इजाज़त नहीं तो हमारे आज के टॉपिक में पूरी बात यही है कि बिटकॉइन अगर हम लेते हैं या देते हैं उसका कोई भी रसीद नहीं हो सकती कोई भी वजूद आ, आ, वो नहीं हो सकता कि हमने आपसे ली है उसकी कोई रसीद दो या कोई ऐसी चीज़ दो वो एक बार सेंड कर दी उसके बाद उसका वापसी का कोई ऑप्शन नहीं और अगर आपने सेल करनी है तो मार्केट में जो भी रेट चल रहा होता वो उसी हिसाब से ही सेल होगी अब आगे लेने वाले बंदे के ऊपर होता है कि वो आपसे किस रेट पे लेता है अगर उसको चाहिए किसी ऐसे काम के लिए कि जो कि वो पैसे की अपनी आइडेंटिटी शो ना करवाना चाहे तो वो यही बिटकॉइन ही ज़्यादातर यूज़ करते हैं क्योंकि बिटकॉइन की कोई भी पहचान नहीं है एक चीज़ है ही नहीं तो उसकी पहचान हो ही नहीं सकती है। इसलिए हैकर ज़्यादातर यही यूज़ करते हैं तो ये था हमारा आज का टॉपिक बिटकॉइन के ऊपर उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है और मज़ीद आप ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब भी करें ठीक है न्यू है वरना बेल आइकॉन को दबा के मेरी हर आने वाली वीडियो अब तक पहुंचेगी और कमेंट करना लाजमी क्योंकि कमेंट करेंगे तो हमें पता चलेगा आपको हमारी वीडियो कैसी लगी तो इन नेक्स्ट वीडियो में भी बिटकॉइन की कुछ शाखें हैं उसके बारे में बताएँगे ताकि आपको आजकल की डिजिटल करेंसी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चल सके तो गुआव में याद रखिएगा अल्लाह